के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। ग्रामीणों की माने तो सरपंच और सचिव की मौजूदगी में सरपंच के पति ने पेड़ों को काट दिया, जबकि वन विभाग इस मामले को दबाने में जुट गया है। दरअसल ग्राम पंचायत भरारी का रहायशी इलाका जंगल से लगा हुआ है, जहां पर गौठान का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन गौठान की जगह पर बेशकीमती साजा के पेड़ लगे हुए थे। इन्हें राजस्व और वन विभाग की अनुमति के बिना अवैध तरीके से काट दिया गया। मामला रसूखदारों से जुड़ा होने के कारण अब वन विभाग और राजस्व अमला इस मामले को दबाने में जुट गया है। नाली के बीच में है, पूरा जड़ होकर तो खत्म हो गए, कदे घड़ी पौधा है था, सिर्फ उसी लिए बोला काटने का अधिकार ही नहीं है। नहीं नहीं, वो सही बात है, लेकिन वो तो कभी भी गिर सकता था ना सर, वो तो अभी कच्चा है ना, सूखा नहीं है। नहीं ठीक है, सूखा नहीं है, मैं मार रहा हूँ, लेकिन वो भी वो तो सूखे कहीं, जब जड़ कट गए है तो गौठान के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। सरपंच पति पर साजा के पेड़ों को काटने के आरोप यहां पर लगे हैं। पंचायत सचिव और सरपंच की मौजूदगी में कटाई हुई, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। हरिओम शिवास संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हरिओम, गौठान के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काट दिया जाता है, ये प्रकृति के साथ कैसा इंसाफ? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मस्तूरी जनपद कार्यालय के क्षेत्र में गौठान का निर्माण कराया जा रहा है ग्राम पंचायत भरारी में, और वहां पर तकनीकी सहायकों द्वारा भी निरीक्षण किया गया था और किसी भी हरे भरे पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच और पटवारी के मिली भगत से यहाँ पर जो पलायन मजदूर है कोरोना से अभी आ रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए पूरे हरे भरे पेड़ों को जो बेशकीमती लकड़ियों को काटा गया है, और इस संबंध में मस्तूरी एसडीएम से भी चर्चा किया गया था, तो उन्होंने भी जानकारी नहीं होने का हवाला दिया है और आगे कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन इससे पटवारी से भी बात की, पटवारी भी किया पल्ला झाड़ने लगा, वन विभाग से बात की तो वन विभाग का कहना है कि ये हमारा मामला नहीं है, राजस्व का मामला है, किसी भी अधिकारी इस मामले में जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं, नहीं कोई सही जानकारी दे पा रहे। सरपंच भी के द्वारा कहा जाता है कि भोजन बनाने के लिए हमारे पास प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं किया गया है, इसके लिए हमने पेड़ को ही काट कर इससे लकड़ी बनाएंगे, लकड़ी को बनाकर जलाऊ लकड़ी का उपयोग करेंगे। तो गौठान निर्माण के आदेश आए थे, हरिओम जी, गौठान निर्माण के लिए आदेश आए थे, उसके बाद इन पेड़ों को काट दिया गया है, खुद की मनमर्जी से इन पेड़ों को काटा गया है? नहीं, गौठान के लिए आदेश आया था, वहाँ पर जगह चिन्हांकित किया गया है, मनरेगा अधिकारी वहाँ गए हुए, जनपद सीओ के द्वारा भी निरीक्षण किया गया, उसके बाद उस जगह को चयन किया गया है, ये सब पटवारी की मौजूदगी में भी हुआ है, लेकिन पेड़ को भी काटने का अनुमति नहीं दिया गया है, और जो सरपंच है उप सरपंच ने मिलकर पटवारी ने मिलकर उस पेड़ों को सूखा है कहकर काट दिया है। गौठान के लिए जिस जगह को चिन्हित किया गया था वहीं हरे भरे पेड़ों की कटाई हुई है, उससे दूसरी जगह हुई है? जी बिल्कुल, जहाँ पर गौठान निर्माण हो रहा है वो उसी जगह में हरे भरे पेड़ उन्हें को काटा गया, वो जो बेशकीमती साजा की लकड़ी है। जी, अब तो कोई विभाग वाले किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है और सिर्फ आश्वासन दिया कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं आया, इस तरह की बात कर रहे हैं, कोरोना को देखते हुए कोई अधिकारी इस पर जांच करने तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। हृदय पैकरा, हरिओम हमारे साथ जुड़ गए हैं सरपंच पति। हृदय जी, बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस पर। आप पर आरोप लग रहे हैं कि गौठान के नाम पर हरे भरे पेड़ों को आपके द्वारा काटा गया। नहीं सर, वो हरे भरे नहीं थे, मतलब जो नाली में जो सूख रहे थे उन्हीं के ही काटे थे, मतलब हरे भरे पेड़ नहीं थे। नहीं सर, हमारे साथ हमारे संवाददाता मस्तूरी से हरिओम भी जुड़े हुए हैं। हरिओम, आप सवाल कर सकते हैं हृदय पैकरा जी से। लेकिन हृदय जी, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि हरे भरे पेड़ हैं और नाले के किनारे नहीं सर, लगे थे। वो क्या है ना, नहीं नाली में ही थे सर, वो क्या है ना, तो आधा से ज्यादा पूरा जड़ कट गए थे और यही तूफान अगले में दो तीन पेड़ और गिर गए थे। जी, लेकिन पेड़ों को काटने के लिए तो अनुमति लेनी पड़ती है ना प्रशासन से, आपने अनुमति ली थी? नहीं सर, वही तो पंचायत से मतलब सब मिलकर किए थे, मतलब नहीं अनुमति तो लेनी पड़ती है ना पैकरा साहब। नहीं नहीं, सही बात है सर। हाँ, मतलब आप मानते हैं कि आपने अपराध किया है पेड़ों को काट के? हाँ सर, अब क्या है ना, वही कुछ अनुमति नहीं लिए है तो, हाँ। तो बिना अनुमति के पेड़ नहीं काटने चाहिए, आप वहाँ के गांव के प्रतिनिधि हैं आप तो। जी सर, जी सर, हाँ।
चलिए शुक्रिया हरिओम। जिस तरह से हमने देखा जो सरपंच पति हैं हृदय पैकरा, उन्होंने अपनी गलती खुद स्वीकार की है और उन्होंने ये कबूल भी किया है कि बिना अनुमति हमने पेड़ काटे थे और अपराध भी हमने किया है, अपराध की श्रेणी में आता है। हरिओम जी, बिल्कुल उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है और इस पर मस्तूरी विभागीय अधिकारी भी बोल रहे जांच करवाएंगे, लेकिन अब तक क्या जांच हो रही है सर ये कंफर्म नहीं हुआ है। उन्होंने खुद हरे भरे पेड़ों को काट दिया है, प्रशासन इसके मजदूरों के लिए बनाया भोजन की व्यवस्था नहीं किया है, यह भी आरोप लगा रहे सरपंच पति ने कि प्रशासन मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं किया जहां ठहरेंगे इस तरह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। प्लान के